बिहार के मुंगेर जिला का एक सुप्रसिद्ध काली मंदिर को हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत भव्य तरीका से काली पूजा का आयोजन होता है हर साल। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जस्ट यहाँ पे पीछे जो है आपको दिख रहा होगा, ये बहुत मतलब कि बड़ी काली मंदिर बोलते हैं इसको। मुंगेर का सबसे बड़ी काली मंदिर यही है। बहुत लोग बोलता है बड़ी काली मंदिर इधर है उधर है, लेकिन मेन जो बड़ी काली मंदिर है ना वो लल्लू पोखर मुंगेर के पास है, जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। और यहाँ के बारे में आपको कैसे आना है सभी चीज़ आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए पहले आपको मूर्ति दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे मुंगेर का सबसे बड़ी काली मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लल्लू पोखर के पास है और ये कृष्णा रोड है। मुंगेर बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्थान का नाम, बड़ी काली मंदिर प्रांगण लल्लू पोखर, समय संध्या 5 बजे से। ये जो है बड़ी काली मंदिर को हम आपको अंदर जा के दिखाते हैं कि कितना दूर तक यहाँ पे बना हुआ है। देखिए अभी बन ही रहा है, अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है। तो आप लोग कुछ इस तरह से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काली माँ है और काली माँ के साथ यहाँ पे शंकर जी को बनाए हैं। पीछे में जो यहाँ पे पिंडी है यहाँ पे ही काली माँ को स्थापित करेंगे। दीपावली के दिन रात में लगभग 10 से लगभग 1 बजे के बीच यहाँ पे स्थापित करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिंडी है और यहाँ पे जो है काली माँ का एक और यहाँ पे मूर्ति है जो कि यहाँ पे हमेशा आपको दर्शन के लिए यहाँ पे बना दिए हैं। का एक नंबर है और सबसे पहले इन्हीं का ही विसर्जन होता है, फिर और प्रतिमाओं का विसर्जन। जब तक इनका स्थान से ये उठती नहीं है तब तक मुंगेर में कोई प्रतिमा अपने स्थान से नहीं उठती। अच्छा, कब उठते हैं? इस बार ये 1 तारीख को इनको शाम में उठाया जाएगा, शाम में 5 बजे। अच्छा, बड़ी काली और छोटी काली का मिलन कहाँ पे होगा? अटल चौक बेकापुर में बड़ी काली छोटी काली का मिलन होगा और वहाँ पर कितना बजे? लगभग 2:30 बजे के लमसम में वहाँ पे दिन में, हाँ दिन में दोनों का मिलन होगा। इस बार वहाँ भव्य आरती का भी आयोजन किया जा रहा है, महाआरती। तो वहाँ और भी काली प्रतिमाओं का समागम रहता है, सभी लोग उसमें वहाँ पे इस बार मिलन का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि पंडित जी आपको यहाँ पे बता दिए, अगर आप लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मुंगेर का सबसे बड़ा काली पूजा, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ के जो बड़ी काली और छोटी काली का जो मतलब मिलन होगा और वो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह से हम आपको बड़ी दुर्गा का विसर्जन दिखा रहे थे उसी तरह से यहाँ पे भीड़ होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीका से यहाँ पे विसर्जन जो होता है बहुत भव्य तरीका से होता है। यहाँ पे हम आपको अभी दिखा रहे हैं कुछ इस तरह का भी बना हुआ है, मतलब ये दीपावली तक में सब रेडी हो जाएगा। जब आप लोग आइएगा तो यहाँ पे अच्छा से पंडाल भी बन जाएगा, बहुत अच्छा से सज धज के रेडी हो जाएगा। कि जब यहाँ से माता जो है 1 तारीख को शाम में 5 बजे उठेगी तो इसे यहाँ प्रांगण में लाया जाएगा और यहाँ बहुत ही भव्य महाआरती भी होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा लगभग 2 घंटे तक का। हाँ। और 7 बजे फिर यहाँ से माता नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ आरती होता है? आरती यहाँ होता है प्रांगण के पास होता है, उसके बाद एक अरगड़ा रोड में होता है, उसके बाद चुवाबाग में होता है, कासिम बाजार में होता है, बेलन बाजार में होता है, लल्लू पोखर गोरी टोला में होता है, विषहरी स्थान लल्लू पोखर में जो है वहाँ भी होता है, कंकर घाट के पास होता है और उसके साथ ही SKD के पास भी सुबह में होता है आरती और उसके बाद घोसी टोला के पास आरती होता है। अच्छा, और रात में ये रात भर घूमती है और उनके बाद लगभग 1 से 2 बजे रात में ये लल्लू पोखर विसर्जन स्थान में आकर लग जाती है और सुबह में फिर सुबह का कार्यक्रम स्टार्ट होता है और सुबह में पूरे बाजार होते हुए घूमकर शाम में माता का विसर्जन हो जाता है। अच्छा, तो मतलब लल्लू पोखर में ही बस जाते हैं, वहीं पे विसर्जन? नहीं नहीं, ये सोजी घाट में इनका विसर्जन होगा, यहाँ से मार्केट जाएंगे सुबह में ये दूसरे दिन और उसके बाद सोजी घाट में इनका विसर्जन होगा। तो दोस्तों यहाँ के बारे में, काली मंदिर के बारे में जो भी कुछ था यहाँ पे भैया बताएं, बाकी यहाँ से पुजारी से भी बात किए वो भी बता दिए। आई होप कि आपको यहाँ के बारे में समझ में आ गया होगा। मुंगेर बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है, अगर यहाँ पे आप लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं।